बागली की कर्णेश्वर नगरी कर्णावत में युवाओं द्वारा विगत 7 वर्षों से दौड़ कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष सावन माह में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जल भरकर कर्णावत में स्थित कर्णेश्वर महादेव मंदिर तक दौड़ कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के सदस्य दिलीप पाटीदार ने बताया कि 17 अगस्त शाम 4 बजे से दौड़ कांवड़ यात्रा प्रारंभ की गई। यात्रा लगातार जारी रही, यात्रा का कहीं पर भी विश्राम नहीं हुआ। सतत दौड़ते हुए नगर कर्णावत पहुंचे। लगभग 850 किलोमीटर का सफर दौड़ते हुए यात्रा को पूरा किया गया है। यात्रा में कुल 55 सदस्य सम्मिलित हुए। यात्रा का इस दौरान जगह जगह पर स्वागत किया गया। सोमवार के दिन नगर कर्णावत के कर्णेश्वर महादेव मंदिर पर जल से अभिषेक कर यात्रा का समापन किया गया। यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र की सुख शांति एवं क्षेत्र में अच्छी बारिश हो, इसी कामना को लेकर प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। इस बार प्रयागराज से चालू होकर नगर कर्णावत में 850 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस कांवड़ यात्रा में हम 55 लोग साथ में लेकर चलते हैं। कांवड़ यात्रा की विशेषता यह है कि यह कांवड़ यात्रा एक बार कंधे पर चढ़ने के बाद में 850 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही श्री भगवान कर्णेश्वर को हम जल अर्पित करते हैं। और हमारी कर्णेश्वर कांवड़ यात्रा जो दौड़ कांवड़ यात्रा है, हमारा उद्देश्य यह है कि हम सभी सनातनी वसुदेव कुटुंबकम को अपना नारा मानते हैं और पूरे विश्व को हमारा परिवार समझते हैं। और हम सनातनी लोग भगवान कर्णेश्वर और भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।